राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतिम किश्त की राशि का भुगतान करने सहित सभी किसानों को बराबर का हक मिलने को लेकर प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले बुधवार को बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने गांधी पुतला में एकत्र होकर अपनी जायज मांग को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही पैदल रैली निकाली और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतिम किस्त की राशि का भुगतान करने और सरकार को धान बेचने किसानों को दी जाने वाली प्रति एकड़ लाभ की राशि के बराबर आदान राशि अन्य सभी किसानों को समान रूप से प्रदान करने की मांग को लेकर उपस्थित सभी किसानों ने आवाज बुलंद की, साथ ही प्रतिक्रिया दी। छोटे किसान हरन सब्जी भाजी के खेती करथन। हमर समस्या है कि आज से समझ 3-4 साल पहले जैसे कोरोना के पहली जन समय रही थे वो समय हमला दिया जाए, और वो हमारा दिक्कत ये है कि जो वो समय जब कोरोना ही थे तो विषम परिस्थिति में समय बलदेरी मंडी के, और वो समय परिवर्तन नहीं हुए कारण हमारे मन की स्थिति आज ऐसे कि आज भी हमारे मन पर कोरोना की स्थिति लागू है। वही सुबह उठना, 2 बजे से मेहनत करना, ये करना, तो आज भी हमारे समझ जाते हैं किसान भाई है तो पूर्ण स्वस्थ नहीं है। काबर देर रात से जागना, देर रात से सोना, ये सब दिक्कत है कि हम कलेक्टर महोदय से ही आज मतलब निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग मतलब कोरोना पहले जो समय रही सोलत दे जाए। आगे भी आप लोगों ने इस तरह का काम किया था तो उससे क्या रिजल्ट आया और अब क्या करेंगे आगे अब एकर पहले भी हम कलेक्टर महोदय आवेदन दे हन तो हमला सुनी से, लेकिन हमला लगते अब यह कहीं कहीं ना कलेक्टर की जिम्मेदारी ओकरे कमी के कारण ही हो से जैन अपन शक्ति पूर्वक वो अपन वो समय आदेश करके समय बल्दी से वही शक्ति प्रयोग अभी करती तो यह समय नहीं आती। वो शक्ति अपन गरीब मन पर हमारे पर प्रयोग करते, लेकिन जिन पूंजीपति है एकर मन ऊपर नहीं करे। अपना अधिकार है कि वो अपने हिसाब से उस योजना का नाम बदल दे, लेकिन सरकार का ये देखना प्राथमिकता में होनी चाहिए कि सभी सभी लोगों के साथ में न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुद्दा एकदम साफ है, दो मुद्दा को लेके हम लोग आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि 2022-23 की जो न्याय योजना, किसान न्याय योजना जो पूर्ववर्ती सरकार चला रही थी, उसका चौथा और अंतिम किस्त जिसको अपन बोल सकते हैं वो बाकी है। चूँकि वो किसानों की देनदारी है, किसानों को सरकार को किसानों को देना है, तो तत्काल में चाहे जो भी सरकार हो, वर्तमान में जो भी सरकार हो, उनकी महती जिम्मेदारी है कि वो चौथा किस्त का भुगतान करे। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में सभी तरह के किसान हैं, सब्जी उत्पादक किसान है, उद्यानिकी वाले किसान है, गन्ना बोने वाले किसान है। वर्तमान सरकार ने जो योजना लाई है, नाम तो उनका कृषक उन्नति योजना है, लेकिन ये तो ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ धान बोने वाले किसानों की ही उन्नति योजना है। तो हमारी एक मांग है कि आप किसानों के साथ में भेदभाव ना करें, किसानों को ऐसा करने के लिए मजबूर ना करें कि वो खाली धान का ही पैदावार करें। इससे क्या है कि बाज़ार की भी स्थिति बिगड़ेगी और लोगों को भी तकलीफ़ होगी। अगर लोग अगर मान लो सब्जी भाजी छोड़ के अगर मान लो वापस अगर धान की खेती में आएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाज़ार में जो है सब्जियों की कीमत बढ़ जाएगी। तो सरकार ये चीज़ ना करे और सरकार सभी किसानों के साथ न्याय करे, ये हमारी मांग है। छत्तीसगढ़ में सत्ता के परिवर्तन हो है, पुराना सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से प्रत्येक किसान र चाहे कुछ भी उपज ले 9,000 रुपया एकड़ आदान राशि इनपुट सब्सिडी देवत रही से। चुनाव के दौरान एमन धान के मूल्य 3,000 में खरीदबो, 3100 में खरीदबो, ये सब वाजा करे दिन है। अभी भाजपा की सरकार आ गई है तो भाजपा की सरकार है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जगह में कृषक उन्नति योजना लागू करे है, और ये योजना में सरकार ला धान बेचने वाला जो किसान है ओमन ला न्यूनतम समर्थन मूल्य से अंतर के राशि 3,100 के भाव से 917 रुपया प्रति कुंटल 21 कुंटल 1 एकड़ के, ये प्रकार से अंतर के राशि 19,257 रुपया धान बेचने वाला किसान वाला देवत है। जो न्याय योजना में लाभार्थी रही अन्य किसान, वो किसान ले सरकार 1 रुपया भी नहीं देवत है। तो ये जो सरकार के जो नया योजना है भेदभावकारी है, पक्षपात करने वाला है। हमारी मांग ये है कि पूर्व की तरह सबो किसान ला ये जो इनपुट सब्सिडी है, आदान राशि है 19,257 रुपये एकड़ के भाव से हर किसान ला मिलना चाहिए, ये हमारे प्रमुख मांग है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।